बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव बना दिया गया है। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, केंद्र से रिलीव होते ही सरकार ने आदेश जारी किया है। आपको बता दें, अनुराग जैन मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां अनुराग जैन को मुख्य सचिव मध्य प्रदेश का बनाया गया है। केंद्र के रिलीव होते ही सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें, 1989 बैच के IAS अफसर हैं अनुराग जैन, जिनको मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। CM डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करेंगे अनुराग जैन। आपको बता दें, सुबह 10 बजे मंत्रालय पहुंचकर पदभार ग्रहण करेंगे। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, अगस्त 2025 तक मुख्य सचिव के पद पर अनुराग जैन रहने वाले हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। 1989 बैच के IAS अफसर हैं अनुराग जैन, जो केंद्र से रिलीव होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है। सुबह 10 बजे मंत्रालय पहुंचकर ये अपना पदभार ग्रहण करने वाले हैं अनुराग जैन। अगस्त 2025 तक इनके सचिव पद पर अनुराग जैन रहने वाले हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, 1989 बैच के IAS अफसर हैं, सुबह 10 बजे मंत्रालय पहुंचकर पदभार ग्रहण करने वाले हैं। आपको बता दें, अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। बड़ी खबर आ रही मध्य प्रदेश से, जहां अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव बना दिया गया है। केंद्र के से रिलीव होते ही सरकार ने यह आदेश जारी किया है। आपको बता दें, अनुराग जैन 1989 बैच के IAS अफसर हैं। डॉक्टर CM डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करने वाले हैं अनुराग जैन, जिसके बाद सुबह 10 बजे मंत्रालय पहुंचकर वे पदभार ग्रहण करेंगे। आपको बता दें, अगस्त 2025 तक मुख्य सचिव पद पर अनुराग जैन रहने वाले हैं। 1989 बैच के IAS अफसर अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। केंद्र से रिलीव होते ही सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। सुबह 10 बजे मंत्रालय पहुंचकर वे अपना पदभार ग्रहण करेंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जहां अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। अभी तो नहीं है।